ओके तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज के ऊपर बात करी थी एंड वी हैव डन वन क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन भी हमने किया था। तो आगे नेक्स्ट एब्सोल्यूट मेजर और रिलेटिव मेजर पे जाने से पहले मैं एक क्वेश्चन और डिस्कस करना चाहूंगा। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बोला था कि एक क्वेश्चन और करेंगे। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट the range and coefficient of range, range और coefficient of range दोनों कैलकुलेट करना है। और क्वेश्चन इस तरह से है दैट सपोज हमें कुछ लोगों की सैलरी गिवन है एंड नंबर ऑफ पीपल या वर्कर जो भी है। सो मंथली सैलरी हमें गिवन है, लेट सपोज मंथली सैलरी 10,000 टू 15,000, देन 15,000 से 20,000, देन 20,000 से 25,000, 25,000 से 30,000, 30,000 से 35,000। ये हमने कुछ हाइपोथेटिकल डेटा लिया और नंबर ऑफ पीपल इसके अंदर हमें गिवन है कि 15 वर्कर्स आर देयर, 25 वर्कर्स आर देयर, 40 वर्कर्स आर देयर, 35 वर्कर्स आर देयर एंड लेट्स सपोज 30 वर्कर्स आर देयर। तो इनका हमें हमें जो है रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज कैलकुलेट करना है। बहुत इजी है, हमने कहा था सबसे पहले रेंज। तो रेंज की जब हमने बात करी थी तो द सिंपल फार्मूला जो रेंज का हमारे पास में था वो ये था, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। कई बार कई जगह आपको एल माइनस एस भी मिलेगा, तो प्लीज वहां कंफ्यूज नहीं होगा। यहाँ एल मीन्स लार्जेस्ट एंड दिस इज स्मॉलेस्ट, और हमारे केस में यहाँ पे एच इज हाईएस्ट, एच स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट, ठीक है, एंड एल जो है वो लोएस्ट। तो दोनों चीजें सही है, आप कोई बुक रेफर करें तो कंफ्यूज मत होइएगा। हमने यहाँ एच फॉर हाईएस्ट एंड एल फॉर लोएस्ट, और जहाँ एल माइनस एस लिखा हुआ है वहाँ लार्जेस्ट और एस फॉर स्मॉलेस्ट। तो फटाफट इसकी रेंज निकाल लेते हैं। रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन, अगर हम देखें यहाँ पे तो हाईएस्ट अपना है 35,000, सो 35,000 मेरा हो गया, माइनस लोएस्ट हो गया 10,000, सो दिस इज 25,000। तो कहने का मतलब है 25,000 जो रेंज है उसका मतलब ये है कि जो सैलरी है वो स्टार्टिंग पॉइंट से 25,000 की रेंज तक आगे जाती है, ये इसका मतलब हुआ। अब फटाफट इसका कोएफिशिएंट ऑफ रेंज भी निकाल सकता है। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला हम लोगों ने किया था, तो फॉर्मूला इज हाइएस्ट माइनस लोएस्ट डिवाइडेड बाय हाइएस्ट प्लस लोएस्ट, ठीक है। तो वैल्यूज रख दीजिए, हाईएस्ट आपका हो गया 35,000 ये रहा, एंड लोएस्ट आपका हो गया 10,000 ये, ठीक है। तो 35,000 माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय 35,000 प्लस 10,000, ठीक है। तो 35 माइनस 10 25,000 डिवाइडेड बाय 45,000, राइट। सो सिंप्लीफाई करें तो 5/9, राइट, और फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 0.55 अप्रोक्सीमेटली, दिस इज योर कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। तो ये छोटा सा क्वेश्चन और लेकर के हमने कोएफिशिएंट ऑफ रेंज और रेंज को फाइंड आउट कर लिया। नाउ जो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको और पढ़ने की जरूरत है वो प्लीज एक तो इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ रेंज, क्या मेरिट्स हैं क्या डीमेरिट्स हैं वो आप प्लीज जहां भी आपको बहुत इजीली मिल जाएगा किसी भी बुक में उसको कर लीजिएगा। थ्योरेटिकली बहुत कम रेयरली पूछा जाता है बट फिर भी। एंड सेकेंड पॉइंट इसके यूजेस, व्हाट आर द यूजेस, एक जनरल यूज मैं आपको जैसे बता सकता हूँ, इट इज यूज्ड इन वेदर फोरकास्ट। वेदर फोरकास्ट में ये हमारे बहुत काम आता है, बहुत यूज लिया जाता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कि आपने देखा होगा जो हम कहते हैं टेम्परेचर मिनिमम से मैक्सिमम
न्यूनतम तापमान अधिकतम तापमान, तो उनके पर्टिकुलर रेंज हमें में हम इसको काम में लेते हैं। इसके अलावा जो हम शेयर प्राइसेस हैं बिफोर इन्वेस्टिंग, जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जो शेयर प्राइसेस की भी हम पर्टिकुलर रेंज चेक करते हैं कि अच्छा ठीक है राइट नाउ ये 15 रुपए पर शेयर पे है, तो मैक्सिमम कितना इसकी रेंज हो सकती है, कितना ही जा सकता है, उसके प्रीवियस पैटर्न को स्टडी करते हैं। तो इस तरह के कुछ यूजेस ऑफ रेंज आप कर लीजिएगा अलॉन्ग विद मेरिट्स और डिमेरिट्स, अगर एग्जामिनेशन में थ्योरेटिकली क्वेश्चन बनाया जाता है तो कई बार ये आपसे पूछ लिया जाता है। तो इसके बाद मैं वापस बैक टू द सेम थिंग, तो फाइनली वी हैव डन रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, इतनी प्रैक्टिस और इतना जो कंसेप्चुअल थिंग्स है वो इसके लिए ठीक है। उसके बाद में अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट विच इज दिस क्वार्टाइल डेविएशन, और कोशिश करेंगे कि कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन को भी साथ के साथ कर लें। क्वार्टाइल डेविएशन पहले इसको कर लेता हूं। सो क्वार्टाइल डेविएशन की बात करते हैं, तो क्वार्टाइल डेविएशन का सीधे सीधे पहले मैं फॉर्मूले पे आता हूँ, बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है। क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू Q3 - Q1 डिवाइडेड बाय 2। नाउ फॉर्मूला तो बहुत बेसिक है, वेयर Q3 इज थर्ड क्वार्टाइल एंड Q1 इज फर्स्ट क्वार्टाइल। नाउ इसके लिए हमें थोड़ा सा कर्टाइल के बारे में पता होना चाहिए, बिकॉज कर्टाइल के बारे में पता एक्चुअली हम कहते हैं मीन डेविएशन, तो मीन डेविएशन को आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक आपको मीन नहीं पता, उसी तरह से कर्टाइल डेविएशन है तो क्वार्टाइल हमें समझना पड़ेगा पहले। तो व्हाट डू वी मीन बाय क्वार्टाइल्स, ठीक है। सी मीडियन एक ऐसी चीज है जो हम सबने पढ़ी है, बहुत बेसिक से पढ़ते आ रहे हैं, 9th 10th से शुरू हो जाता है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक कई बार आ जाता है। मीडियन बेसिकली होता क्या है, मीडियन जो काम करता है वो हमने बहुत जनरली पढ़ा है कि डिवाइड योर डेटा इनटू दी टू इक्वल पार्ट्स, ठीक है। टू इक्वल पार्ट्स से मेरा मतलब हुआ कि 50% ऑफ द पार्ट इज दिस एंड 50% ऑफ द पार्ट ऑफ योर डेटा इज दिस एंड दिस इज योर मीडियन। तो क्वार्टाइल इज व्हाट when you want to divide your data into four equal parts, whenever you want to divide your data, your observation into four equal parts, you will always be talking about quartile. आप quartile के बारे में बात कर रहे होंगे। इसी तरह से एक होता है percentiles, बहुत चलता है ये भी। So percentile is what when you want to divide your data into the 100 equal parts, ठीक है। थोड़ा सा off the track जा रहे हैं लेकिन ठीक है, कुछ additional भी पढ़ लेना चाहिए। इसी तरह से एक होता है डेकल्स, व्हेन यू वांट टू डिवाइड योर डेटा इनटू दी 10 इक्वल पार्ट्स वी टॉक अबाउट। तो इन सब का कॉन्सेप्ट एक ही है, तो हम यहाँ पे क्वार्टाइल्स के थ्रू बाकी दो चीजें भी आपको समझ में आ जाएंगी। तो क्वार्टाइल्स के बारे में बात करते हैं। क्वार्टाइल्स बेसिकली हमने कहा फोर इक्वल पार्ट्स में आप अपने डेटा को डिवाइड करना चाहते हो, तो फोर इक्वल पार्ट मतलब सपोज 1, 2, 2nd पार्ट, 3rd पार्ट एंड 4th पार्ट। जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में कहा कि मीडियन इज ओवर हेयर इन बिटवीन द टू 50% पार्ट ऑफ योर डेटा, उसी तरह से दिस दिस इज योर 25%, दिस विल बी नेक्स्ट 25%। जब भी आप किसी चीज को चार इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे तो 25 25 25 25 होगा वो, तो योर फर्स्ट क्वार्टाइल विल कम ओवर हेयर, योर सेकेंड क्वार्टाइल विल कम ओवर हियर एंड योर थर्ड क्वार्टाइल विल कम ओवर हियर। अब अगर आप इसको क्लोजली मॉनिटर करें तो Q1 क्या करता है, वो आपके डेटा को 25:75 में डिवाइड करता है, 25% टू दी लेफ्ट साइड एंड 75% टू दी राइट साइड। ये मैं साथ के साथ स्टैट्स के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए इसको ध्यान रखें। Q2 पे ऑब्जर्व करें तो 25:25 यानी ये जो होता है ये 50:50 में डिवाइड करता है Q2, ठीक है। एंड Q3 अब तो समझ ही रहे होंगे, 75:25 इज Q3। मींस यहाँ पे अगर आप देखें तो Q2 को ही आप बोल सकते हैं नथिंग बट
मीडियन, आपके डेटा के अंदर जो वैल्यू मीडियन की होगी वही क्यूब्यूब होगा, ठीक है। हमें यहाँ पे Q1, Q2, Q3 के कॉन्सेप्ट से ज्यादा हमें मेन जो हमारा पर्पस है वो है Q3 और Q1 की कैलकुलेशन को समझना कि कैसे कैलकुलेट होता है। तो बहुत बेसिक चीज है, उसको समझने के लिए हम क्वेश्चन लेते हैं। कैलकुलेट क्वार्टाइल डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डेटा, जो भी डेटा आपको गिवन है इसका क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करना है। नाउ द क्वेश्चन इज, सो क्वार्टाइल डेविएशन सर ने बताया QD इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। नाउ Q3 Q1 कहाँ से आएगा? तो Q3 Q1 कैलकुलेट करने के लिए मीडियन कैलकुलेट अगर इस डेटा को मैं आपको बोलता तो सिंपल सी बात होती, सबसे पहले हम क्या करते, डेटा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते, किसी में भी कर सकते हैं। असेंडिंग और डिसेंडिंग का मतलब व्हेन वी आर गोइंग 1 to 100 इट इज असेंडिंग, व्हेन वी आर अरेंजिंग लाइक 100 to 1 दिस इज डिसेंडिंग, सिंपल सी चीज है। तो असेंडिंग ऑर्डर में इस डेटा को हम कर लेते हैं, तो सबसे पहले आ गया 12, 12 के बाद में 15, 12 हो गया, 15 हो गया, 15 के बाद में 20, 20 के बाद में 28, 28 के बाद में 30, 30 के बाद में 40 एंड देन 50, पूरे 1 2 3 4 5 6 7, 7 डेटा मेरे पास में आ गया, मैंने अरेंज कर लिया। अब मुझे कर्टाइल्स कैलकुलेट करना है। तो देखो कर्टाइल का बेसिक फॉर्मूला है QI इज इक्वल टू I इनटू N प्लस 1 बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन, जो भी आपके ऑब्जर्वेशन है उनमें ये लगाइए, वेयर N इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, N स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये सबको याद आ रहा होगा कि सर यही तो चीज मीडियन में करा है, वही चीज बता रहा हूँ, कुछ नया नहीं। एंड आई क्या है, अगर Q1 निकालना है तो आई को 1 रख दीजिए, Q2 निकालना है आई को 2 रख दीजिए, Q3 निकालना है आई को 3 रख दीजिए, ठीक है। तो हमें लेट सपोज Q1 कैलकुलेट करना है, तो आई की जगह 1 पुट किया, एन 7 है प्लस 1 अपॉन 4, बहुत बेसिक चीज बता रहा हूँ, 8/4 सेकेंड आइटम या सेकेंड ऑब्जर्वेशन। सो सेकेंड ऑब्जर्वेशन यहां से हम ले लेंगे, सो सेकेंड ऑब्जर्वेशन हुआ हमारा, यानी मेरा Q1 मुझे मिल गया 50। इसी तरह से मैं यहीं पे Q3 बता देता हूँ, Q3 के लिए I3 लेंगे, 7 प्लस 1 अपॉन 4, तो ये मेरा हो गया सिक्स्थ आइटम या ऑब्जर्वेशन, ठीक है। सो सिर्फ सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6, दिस इज माई Q3, ठीक है। सो Q1 15, Q3 40, Q1 15, Q3 40, ठीक है। सो कर्टाइल डेविएशन मैंने निकाला, अगेन लिख रहा हूँ Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, सो Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, तो 40 माइनस 15 अपॉन 2, 25 अपॉन 2, 12.5। सो कर्टाइल डेविएशन मेरा आया 12.5। अब एक बार मैं वापस चार्ट पे चलता हूँ, क्वार्टाइल डेविएशन बहुत इजी है सर, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, ये पूरा केस हो गया। इसी के साथ हम कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन कर लेते हैं, तो इसी क्वेश्चन का कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकाल लेंगे, लेकिन पहले समझे तो सही कि वो है क्या, फॉर्मूला क्या है। सो कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन फॉर्मूला Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1। आपको रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला अगर याद आ रहा होगा उसी तरह का है, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1। अब बताइए इसमें कुछ नया तो करना है नहीं, तो सेम क्वेश्चन का हम कैलकुलेट कर सकते हैं,
Q3 की वैल्यू आपके पास में है 40, माइनस Q1 की वैल्यू 15, डिवाइडेड बाय Q3 की वैल्यू 40, Q1 की वैल्यू 15. सो 40 माइनस 15 25, डिवाइडेड बाय 55, 5 बाय 11, सो 5 बाय 11 0.45 अप्रोक्सीमेट. ठीक है, सो दिस इज योर क्वार्टाइल कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन. तो एक छोटा सा क्वेश्चन लेके कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन एंड क्वार्टाइल डेविएशन दोनों चीजों को हमने यहाँ पे क्विकली कर लिया, और इसके अंदर एक ही क्वेश्चन लेकर के मैंने दोनों चीजें आपको एक्सप्लेन करी है. बट एक चीज और मैं यहाँ पे आपको छोटी सी बता देता हूँ कि सपोज आप कहेंगे कि सर क्वेश्चन अगर हमें कॉन्टिन्यूस फॉर्म में गिवन हो तो दे दीजिए, क्या दिक्कत है. सपोज मुझे क्लास गिवन है और फ्रिक्वेंसी गिवन है, कुछ किसी भी चीज का डेटा है, चाहे वो सैलरी का है, मार्क्स का है, लेट्स सपोज 10 15 15 20 20 25 25 30 30 35, ये डेटा मुझे दिया और इसकी फ्रिक्वेंसी दे दी 40 दे दीजिए, 45 50 60 25 जो भी है. अब इसका क्वार्टाइल डेविएशन बताइए और कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन. तो सर आपने तो ये बताया नहीं, बहुत इजी में करते, क्या प्रॉब्लम है. क्वार्टाइल डेविएशन सर ने बताया था Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, और कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1. तो अब आपको यहाँ पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन के लिए Q3 कैसे कैलकुलेट करें और Q1 कैसे कैलकुलेट करें. उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज में बना रखा है. तो आप ये देखिए कि Q3 और Q1 कैसे कैलकुलेट होगा इस क्वेश्चन के लिए. अगर आपको समझ में आता है वेरी गुड, नहीं आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. मैं इस क्वेश्चन को आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, नहीं आता है मुझे बताइए, वी विल सॉल्व इट, बट आई वॉन्ट रिप्लाई फ्रॉम योर साइड फर्स्ट. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का भी क्वार्टाइल डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इजीली निकाला जा सकता है. तो यहाँ पे हमने समझा एक और मेजर ऑफ डिस्पर्शन हमने यहाँ पे कर लिया, रादर टू मेजर ऑफ डिस्पर्शन, दो अलग अलग कैटेगरी के. सो वी हैव डन विद द रेंज एंड नाउ इन दिस वीडियो वी हैव डन विद दिस. तो अब जो मेन पार्ट आता है वो आता है मीन, और उससे भी इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्ड डेविएशन. ये हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. विल स्टार्ट विद मीन डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, और उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. इनको आई थिंक अप्रोक्सीमेटली कमिंग 2-3 वीडियोज में ये कम्प्लीट टॉपिक हमारा फिनिश हो जाएगा. राइट, सो प्लीज रिवाइज दिस एंटायर वीडियो, और अगर कोई फीडबैक, कोई कमेंट, कोई रिक्वायरमेंट आपको लगती है तो प्लीज डू इट इन द कमेंट सेक्शन. टेक केयर, बी सेफ, ऑल द बेस्ट.